प्रिय छात्र एवं छात्राओं, अब इसके बाद उसी अध्याय 3 के अंतर्गत अब आपका आता है ह्रासमान प्रतिफल। ह्रासमान प्रतिफल या ह्रासमान का नियम क्या है? ह्रासमान प्रतिफल से तात्पर्य है किसी उत्पादन प्रक्रिया में जब किसी एक उत्पादन के कारक की मात्रा बढ़ाई जाती है तो इसे आउटपुट में होने वाली वृद्धि क्रमशः कम होती जाती है। कैसे? किसी उत्पादन की प्रक्रिया, किसी चीज का उत्पादन किया जा रहा है, उत्पादन करने के लिए, निर्माण करने के लिए किसी उत्पादन प्रक्रिया में जब किसी एक उत्पादन के कारक कारक के लिए बताए थे, जैसे आपको मैंने पिछले भी वहां बताया आप तो या भौतिक कारक हो तो कारक में आपकी श्रम, पूंजी, मशीन आदि सभी आते हैं। तो ये जब कोई उत्पादन हो रहा होगा तो उत्पादन के लिए कोई ना कोई कारक लगेंगे, तो उत्पादन के कारक की मात्रा बढ़ाई जाती है। उत्पादन कारक की मात्रा यदि मान लीजिए मशीनों की मात्रा बढ़ा दें, पूंजी की मात्रा बढ़ा दें, मात्रा बढ़ाई तो इससे आउटपुट में होने वाली वृद्धि यानी आउटपुट यानी बाहर से जो होने वाली वृद्धि क्रमशः कम होती जाती है। अब कैसे? जैसे थोड़ी देर के लिए मान लीजिए आपके घर में बिजली है और उस बिजली के द्वारा पहले आपके मान लीजिए 4 पंखे चलते थे, एक कूलर चलता था। अब उन 4 पंखों की जगह आपके 8 पंखे काम करने लगे, फ्रिज, कूलर आदि चलने लगे, तो क्या होगा कि आपकी बिजली की दर जब आपके इतने अपॉइंटमेंट से बढ़ जाएंगे तो वहां आपकी बिजली का पैसा जो है आपको ज्यादा भरना पड़ेगा, ज्यादा बिल आएगा। तो उसका यही कारण हो गया कि किसी उत्पादन प्रक्रिया में जब किसी एक उत्पादन के कारक की मात्रा बढ़ाई जाती है, कारक बढ़ गए आपके, अब 4 पंखे 4 की जगह 10 पंखे हो गए, फ्रिज भी हो गया, कूलर भी है, तो उत्पादन मात्रा बढ़े तो इससे आउटपुट में होने वाली वृद्धि, बाहर से होने वाली वृद्धि क्रमशः कम होती जाती है। क्या होती जाती है? कम होती जाती है। यही कारण है, इसलिए कहते हैं कि सामान्य शब्द में कह सकते हैं कि जितना लोग डालते जाएंगे मिठास उतनी ही नहीं बढ़ेगी बल्कि क्या हो जाएगी? कम बढ़ेगी। जब अधिक से अधिक मात्रा में आप गुड़ डालते डालते इतनी डालते जाएंगे कि उसमें मिठास नहीं बढ़ेगी बल्कि क्या हो जाएगी? वो कम होती जाएगी। तो इसे जो है ह्रास का मतलब कमी आना, तो इसे ह्रासमान प्रतिफल कहते हैं। अब आपका आता है देखिए उत्पादन के जो खास खास चीजें थी उत्पादन के संबंध में, अब आपकी लागत शुरू होती है क्योंकि चैप्टर में था उत्पादन तथा लागत। अब आता है आपका लागत, उत्पादन लागत क्या है? किसी चीज के उत्पादन करने में जो लागत लगती है क्या क्या लगता है, कौन कौन से खर्च लगते हैं, पूंजी लगती है, कितना और भी जो कुछ उसमें खर्च होता है उत्पादन लागत में के अंतर्गत आता है वो। कि साधारण बोलचाल की भाषा में हम उत्पादन लागत का अर्थ उन समस्त लागतों से होता है, यानी कोई चीज उत्पादन करना है उसी कोई चीज को, जैसे मान लीजिए खेती करना है तो खेती करने के लिए किसान है, तो किसान जब खेती करता है तो खेती करने के लिए उत्पादन करने के लिए उसमें पैदावार अधिक उत्पादन करने के लिए कितनी चीजें लगाता है, वो बीज, नए वैरायटी के बीज भी खरीदता है, उसमें खाद भी खरीदता है, पानी सिंचाई आदि भी करता है, इसके बाद फिर उसमें कीटनाशक दवाएं आदि का छिड़काव भी करता है और अधिक उत्पादन के लिए तो उसमें टॉनिक भी डालता है, इसके बाद फिर वो जो है थ्रेसिंग होती है उसकी और तब कहीं उसकी जो है उपज होकर के उसकी धरा की। तो अब उसमें कितना खर्च हुआ, उसको कितनी लागत लगी, तो यही है कि सारा की बात उत्पादन लागत का अर्थ उन समस्त लागतों से है जिसमें उसको फसल के आय उत्पादन करने में खर्च हुआ, जिन्हें एक उत्पादक उत्पादन करने वाला उत्पादक कौन हो गया अर्थात किसान, उत्पादक श्रम, पूंजी एवं अन्य उपादानों के, उसने श्रम किया, परिश्रम किया, पूंजी भी लगाई एवं अन्य उपादानों के बदले
पुरस्कार के रूप में देता है। अन्य उपादान वस्तुओं के बदले उसमें कैसे वो पुरस्कार के रूप में देता है। यदि कोई उपादान या वस्तु, उपादान का मतलब वस्तु से, उपादान या वस्तु जिसे उत्पादक स्वयं अपने पास से देता है, जिसे उत्पादक, उत्पादन करने वाला ही उत्पादक कहलाता, स्वयं अपने पास से देता है, उसकी लागत को उत्पादन लागत में सम्मिलित नहीं करता। तो जो पूंजी उसने लगाई उसको उत्पादक पूंजी में सम्मिलित नहीं करते, परंतु वहां सम्मिलित नहीं करेंगे, लेकिन अर्थशास्त्र की दृष्टि में, अर्थशास्त्र में उत्पादन लागत के अंतर्गत केवल अन्य व्यक्तियों को किए गए भुगतान ही सम्मिलित नहीं रहते। उसमें जो खर्च करने के लिए अन्य व्यक्तियों को जो ट्रैक्टर आदि जो लगाया गया, जुताई बखराई हुई, बुआई हुई आदि जैसे भी, उसको ही सम्मिलित नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं, उत्पादन के द्वारा दिए गए उपादानों का पुरस्कार। उत्पादन जो किया गया उसके द्वारा उपादानों का पुरस्कार और वस्तुओं की कीमत, जो जो चीजें उसने खरीदी, कीमत तथा उसका स्वयं का अपना लाभ। अब स्वयं को फिर जब इतना बुवाई की, सब कुछ पैसा लगाया, तो उसे कुछ लाभ होना चाहिए, स्वयं का अपना, स्वयं का लाभ भी सम्मिलित रहता है। इसीलिए तो हम कह सकते हैं कि उत्पादन लागत क्या है, उत्पादन लागत में क्या का सम्मिलित होता है। भूमि का लगान, भूमि है उसका लगान भी देना पड़ता है उसे। कच्चे माल की कीमत, कच्चा माल जो उसने खरीदा पहले, उसकी उसने कीमत लगी होगी। जैसे मान लीजिए बीज खरीदा उसने, तो उसको कीमत लगी होगी। मजदूरों की मजदूरी, मजदूर भी लगे होंगे, तो उनको मजदूरी देना पड़े होंगी। जब शुरू से लेकर के बुवाई से लेकर के कटाई तक, तो उनकी मजदूरी भी। पूंजी का ब्याज, जो पूंजी उसने रुपया उसमें लगाया, उसका ब्याज मिल जाना चाहिए था उसे, तो पूंजी का ब्याज। तथा संगठनों का वेतन, अब उसने जो जो संगठन, जैसे मान लीजिए कैसे खेती वाली बात हो, यदि कोई फर्म वाली बात हो, तो उसमें संगठन जो लगे हुए हैं, संगठन तो उसमें कर्मचारी लगे हुए हैं, उनका वेतन, मान लीजिए किसी फर्म से संबंधित, तो उसमें कई लोग लगते हैं कर्मचारी, उनका वेतन। और उद्यमी का सामान्य लाभ, फिर जो व्यवसायी है, जो व्यवसाय करने वाला है, तो जब असली नहीं लगाएगा तो उसे लाभ ही ना हो। जब पैसा पूंजी लगा देगा, सब कुछ लगा देगा, तो अपने कुछ ना कुछ लाभ के लिए कमाएगा, तो उद्यमी का सामान्य लाभ। इतनी चीजें सब इसमें उत्पादन लागत में सम्मिलित है, होती है, इसीलिए हम इसे उत्पादन लागत कहते हैं। अब उत्पादन लागत का विभाजन किया गया, उत्पादन लागत का वर्गीकरण अर्थशास्त्रियों ने उत्पादन लागत का वर्गीकरण निम्नलिखित तीन प्रकार से किया, तीन प्रकार से विभाजित किया। एक किया उन्होंने मौद्रिक, वास्तविक एवं अवसर लागत। मौद्रिक मुद्रा की दृष्टि से, वास्तविक एवं अवसर लागत। दूसरे उन्होंने स्थिर एवं परिवर्तनशील लागत, और तीसरी है कुल और कुल कोमा औसत एवं सीमांत लागत। कुल लागत, औसत लागत और सीमांत लागत, यानी तीन भागों में उसे वर्गीकृत कर दिया गया है। अब देखिए, आपको जो मैंने लागतें बताई थी, तो पहले अब उसमें आपकी मौद्रिक लागत है। मौद्रिक लागत क्या कहलाती है, इसमें मुद्रा, कितनी मुद्रा लगाई गई है। सामान्य रूप से किसी वस्तु के उत्पादन में, किसी भी वस्तु का उत्पादन किया जाए, उसके उत्पादन में विभिन्न उत्पादन के साधनों के लिए, विभिन्न उत्पादन के साधनों के लिए उत्पादक जो मुद्रा व्यय करता है, उसे उत्पादन की मौद्रिक लागत है कहते हैं। किसी वस्तु के निर्माण में, किसी फर्म में है और कोई व्यवसायी, कोई उद्यमी है, और उसके निर्माण में, जैसे मान लीजिए साबुन आदि की फैक्ट्री है, और उसके सामान्य रूप से किसी वस्तु के उत्पादन में साबुन का उत्पादन हो रहा, विभिन्न उत्पादन के साधनों के लिए, अब उसमें जो साधन, संसाधन जुटाए गए होंगे, उन संसाधनों के लिए
उत्पादक जो उसका व्यवसायी है, जो उत्पादन करता है, उत्पादक जो मुद्रा व्यय करता है। अब जो फर्म चलाने वाला, कंपनी चलाने वाला होगा, जिसकी फर्म होगी, तो जो मुद्रा उसमें खर्च करता है उसी उत्पादन की मौद्रिक लागत है कहते हैं, यानी उसमें इतनी लागत समृद्ध की है। इस लागत में तीन प्रकार की मदें शामिल होती हैं। मौद्रिक लागत में कौन कौन सी लागत समृद्ध होती है, ये तीन प्रकार की हैं। वो स्पष्ट लागत हैं, जो स्पष्ट हो सके। कैसे स्पष्ट होती है? स्पष्ट लागतें वे लागतें हैं जो कि एक उत्पादक, उत्पादन करने वाला स्पष्ट रूप से विभिन्न साधनों को खरीदने में व्यक्त करता है। जो भी उसमें संसाधन लगेंगे, वो मशीनें आदि लगेंगी या भूमि आदि लगेगी, पूंजी आदि मतलब उसमें जो पूंजी लगेगी, तो यह उत्पादक स्पष्ट रूप से विभिन्न साधनों को खरीदने में जो कि संचालित हो। कैसे फैक्ट्री, जब साबुन की फैक्ट्री है तो उसमें मशीनें लगी होंगी, फिर उसमें लेबर लगेगा, हर चीज़ लगती है, तो उसमें जो खरीदने में जितना वो व्यय करता है, इन स्पष्ट लागतों में तीन मदें समृद्ध हैं। अब जो स्पष्ट रूप से स्पष्ट हो रही कि हम उसमें ये लागत लग रही है प्रत्यक्ष रूप से, तो उसमें भी तीन समृद्ध रहते, तीन मदें। मगर एक उत्पादन लागत है, उत्पादन करने में जो लागत लगी है, जो जैसे वस्तु की कीमत, उस वस्तु की कीमत जिससे साबुन बनाया जा रहा है, मजदूरों की मजदूरी, अब जो उसमें मजदूर लगे हैं बनाने के लिए, तैयार करने के लिए, तो उनकी मजदूरी, प्रबंधकों का वेतन, जो कर्मचारी लगे उनको वेतन देना होगा, प्रबंधकों का वेतन, ऋण ली गई पूंजी का ब्याज, अगर उसके पास पूंजी नहीं थी तो उसने ऋण के रूप में पूंजी ली है तो उसका उसे ब्याज लगेगा, तो ऋण ली गई पूंजी का ब्याज और भूमि तथा भवनों का किराया, और जिससे अगर उसने किराए का मकान है तो उसका किराया आदि। तो एक तो जेस में सम्मिलित रहती है स्पष्ट लागत में, दूसरा है विक्रय लागतें, जैसे विज्ञापन, विक्रय लागतें, अब बेचना है, जब बेचना है तो इतना है कि उसका विज्ञापन करेगा, उसका प्रचार प्रसार करना पड़ेगा, जब विज्ञापन करेगा पेपर आदि में विज्ञापन देगा तो प्रचार प्रसार होगा तो उसमें पैसा लगेगा, तो विज्ञापन तथा बिक्री संबंधी व्यय, तो बेचने आदि में जो व्यय खर्च होता है वो स्पष्ट लागतें के अंतर्गत है। अन्य लागतें इसके बाद और भी, क्योंकि कंपनी जब होती है, फर्म जो होती है, उसका बीमा भी कराना पड़ता है, और बीमा कराना पड़ता है उसे उसे और उसे टैक्स भी देने भरना पड़ता है, क्योंकि जितना जो उद्यमी होते हैं तो वो सरकार को टैक्स भी उसमें से भरते हैं। तो ये स्पष्ट लागतों के अंतर्गत है होती है। इतनी स्पष्ट लागतें जब उद्यमी होगा, कोई उत्पादक होगा, वो उत्पादन करने वाला, उसको स्पष्ट लागत इतनी लगेगी। दूसरी अस्पष्ट लागतें, जो स्पष्ट ना हो वो और पूंजी लग जाए। कैसे? इसके अंतर्गत उन साधनों एवं सेवाओं की कीमत बाजार दर पर मूल्यांकन करके, बाजार की दर पर जो मूल्यांकन होता है, जो जितना बिक्री मूल्य होता है उसकी मूल्यांकन करके शामिल की जाती है सेवाओं, साधनों एवं सेवाओं की कीमत शामिल की जाती है। जैसे साहसी की निजी पूंजी पर ब्याज, अगर कोई उद्यमी है वो अपने उसने निजी पैसा लगाया, तो यदि पैसा वो कहीं दूसरी जगह लगाता, किसी दूसरे को देता, तो उस पर उसे ब्याज मिलता, तो जो पूंजी लगाई उसका ब्याज भी उसे मिलना चाहिए। ये अस्पष्ट लागते हैं, यानी वो स्पष्ट नहीं हो रहा है उसको, ये स्पष्ट रूप से सामने आ रही है तो उसे छिपी हुई है, तो अस्पष्ट लागत निजी पूंजी पर ब्याज। तीसरी आपकी सामान्य लाभ, सामान्य लाभ से तात्पर्य यह है कि लाभ की उस न्यूनतम मात्रा, जो लाभ जो पूंजी जो जो पूंजी लगाई तो उस पर लाभ मिलना चाहिए, जो फर्म खोली तो फर्म से जो निर्माण हुआ पूंजी लगाई उस पर लाभ मिलना चाहिए। तो तात्पर्य है कि लाभ की उस न्यूनतम मात्रा से है जो हर स्थिति में उद्यमी को प्राप्त होनी चाहिए। जो उद्यमी है, जो व्यवसायी है, उसे हर हालत में उसे न्यूनतम मात्रा में लाभ प्राप्त होना चाहिए, अन्यथा की स्थिति में यह उद्योग विशेष में ये कार्य करना बंद कर देंगे। जब उसे लाभ ना होगा,
घाटा आदि होने लगेगा तो काय के लिए वो उद्योग धंधे स्थापित करेंगे। इसलिए वो उद्योग धंधों को चलाने के लिए उन्हें जो कुछ ना कुछ लाभ उद्यमी को होना चाहिए। इसी और इसीलिए सूत्र बनता है मौद्रिक लागत में क्या कहा है आपके आगे, स्पष्ट लागत है और अस्पष्ट लागत है और सामान्य लागत, इसी के अंतर्गत आपकी पूरी मुद्रा चलती है, इसी को कहते हैं हम मौद्रिक लागत। तो इसके अंतर्गत आपका लगता है।